गंज में सुभाष माध्यमिक विद्यालय स्थित है। ये देर रात्रि कल शाम से बारिश आ रही थी, इसकी वजह से देर रात्रि ये वैसे पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी और कल रात्रि ये बारिश के कारण कल गिर चुकी है। ये तो अच्छा था कि वैसे हमारे मोहल्ले के छोरे यहाँ रात को बैठते हैं, ये तो अच्छा था कल रात को कोई यहाँ पे था नहीं, इस वजह से नहीं तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाता और इस वजह से ये हादसा भी टल गया है। और वैसे यहाँ पर एक शाखा भी लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो उस समय भी बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं। ये तो कल बारिश के कारण कोई बच्चा भी नहीं आया था, तो इस वजह से वो भी हादसा टल गया है। और कई बार हमने स्कूल में भी शिकायत करी है, नगर निगम में भी शिकायत करी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, इस कारण से ये गिरी है। अगर पहले इस पर कोई सुनवाई हो जाती तो ये शायद नहीं हो पाता। नहीं कोई हानि तो कोई नहीं हुई है किसी को, लेकिन यही है कि बस एक गाड़ी खड़ी हुई थी हमारे पड़ोस की किसी की, उसमें ये बिल्ड भैया कम से कम 80 से 90 साल पुरानी है। सौरभ परिहार नाम है। सुभाष माध्यमिक विद्यालय जो चटाईगंज के अंदर है, ये कल रात को 10:30 बजे क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते तो एक कार भी डैमेज हुई है और यहाँ तो बच्चे खेलते भी रहते हैं, जिससे यहाँ संघ की शाखाएं भी रखती है। ऐसा हादसा होने से पहले भी तो एक बार तो हमने निगम में इसके तो एप्लीकेशन दे रखी है, स्कूल प्रशासन से भी हमने कह रखा है। ये हो गया कि तो कल क्षतिग्रस्त तो हुई है, उसके बाद में कोई हादसा होने से टल गया बड़ा। ये भी चटाईगंज जितेंद्र खंडेलवाल।